दोस्तों, अगर आपने हिंदी सिनेमा की फिल्में मोहब्बत की कसम, जाल वो फिर आएगी, मिल गई मंजिल मुझे और जीवन एक संघर्ष जैसी फिल्में देखी होंगी तो आप एक खूबसूरत और सौम्य चेहरे वाली अभिनेत्री से जरूर परिचित होंगी, जिनका वास्तविक नाम है मुनमुन सेन, जो कि 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों का हिस्सा रही, लेकिन आज ये फिल्मों से दूर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जानेंगे आज इनके शुरुआती जीवन से लेकर आज तक की कहानी। भैया, मैं तुम्हारे और भाभी के बीच गहरी खाई नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम्हारी विवाहित जिंदगी में जहर घोलना। मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही ठीक है, तुम्हारे सुख के लिए। आज अगले साल जाएंगे, कल यही अपने 7-8 दोस्त बुला रही हूँ, रंजन, मिसेस नारायण, दीपा, किसी को बताएंगे नहीं तुम्हारा जन्मदिन है, कहूंगी यूं ही खाने पर बुला रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। अभिनेत्री मुनमुन सेन हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और अंग्रेजी भाषाओं की कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। इनका जन्म 28 मार्च सन 1954 को कलकत्ता में हुआ। इनकी माता का नाम सुचित्रा सेन, जो कि 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक कई बंगाली फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिस दौरान सुचित्रा ने हिंदी भाषा की देवदास और आंधी जैसी फिल्मों में काम किया। और वहीं अभिनेत्री मुनमुन सेन के पिता दिवानाथ सेन, जो कि कोलकाता के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे। मुनमुन सेन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कलकत्ता के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने सोमरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से स्नातक की डिग्री ली और फिर इन्होंने तुलनात्मक साहित्य में स्नातकोत्तर भी किया। दरअसल जब मुनमुन सेन उम्र में काफी छोटी थी, तभी अपनी माँ से पूछती थी, माँ आप रोज रोज कहाँ जाती हैं? तभी इनकी माँ सुचित्रा सेन बड़े प्यार से कहती थी, बेटा मैं फिल्मों की शूटिंग के लिए जाती हूँ। और इस तरह से कभी कभी माँ से जिद करने की वजह से वो मुनमुन सेन को फिल्म के सेट पर भी ले जाती थी। और इस तरह से एक शाही घराने में पैदा होने के बावजूद भी मुनमुन सेन का मन फिल्मों की तरफ झुकने लगा और इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1984 की फिल्म अंदर बाहर से की, जिसमें इनके बोल्ड सीन की वजह से काफी विवाद भी हुए। लेकिन उन विवादों को तो साथ ही होना था, क्योंकि बड़े पर्दे पर इस तरह का रोल निभाना पहली बार में सबके बस की बात नहीं। आपको बता दें, मुनमुन सेन सन 1984 की अपनी पहली फिल्म अंदर बाहर में काम करने से पहले कई मॉडलिंग असाइनमेंट में भी काम कर चुकी थी, जिनमें इन्होंने मुख्य रूप से साबुन के विज्ञापनों में काम किया और साथ ही कुछ बंगाली शॉर्ट फिल्में भी की। खैर, अभिनेत्री मुनमुन सेन अपनी पहली फिल्म से सुर्खियां बटोरने के बाद 80 के दशक की ढेर सारी खूबसूरत हीरोइन के बावजूद भी बॉलीवुड में अपने काम से अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। इन्होंने सन 1984 से लेकर सन 2010 तक बॉलीवुड की लगभग 40 फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी सिनेमा जगत के कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करती दिखी, जिनमें कुछ फिल्में हैं मोहब्बत की कसम, जाल, सीसा, प्यार की जीत, वो फिर आएगी, 100 डेज, इरादा बख्त का बादशाह, जख्मी दिल इत्यादि, जिनमें इन्होंने जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा, शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, रेखा, अनीता राज तथा माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। हेलो दीदी, मैं देवी बोल रही हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या बेसुरे सवाल पूछ रही हो? नहीं दीदी, मैं डर गई थी, मैंने सपने में देखा कि किसी ने तुम्हें मार डाला। हमारा नाम है माला, जो खुद अपनी तारीफ में कुछ कहती नहीं, और शहर के लोग जब तारीफ करना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। मुनमुन सेन हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और अपनी मातृभाषा बंगाली की कई सफल फिल्में कर चुकी हैं और इसीलिए सन 1987 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक फिल्म सिरी बेनेला के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नंदी अवार्ड भी मिला। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही सन 1978 में त्रिपुरा राज्य के पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज भरत देव वर्मा से शादी की, जिससे इनकी 2 बेटियां हुई, राइमा सेन और रिया सेन। इनकी पहली बेटी राइमा सेन का जन्म 7 नवंबर सन 1979 को हुआ, जो कि आज हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी की दामन, फंटूस, यात्रा, मेरे ख्वाबों में जो आए और 3 पत्ती जैसी फिल्मों में काम किया और लगातार एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर अपनी छवि बनाने में प्रयासरत हैं। वहीं अगर बात करें मुनमुन सेन की दूसरी बेटी रिया सेन की, तो वो भी एक एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी सन 1981 को हुआ, जिन्होंने मॉडलिंग के जरिए फिल्मों में काम करना शुरू किया और कई हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें दिल बिल प्यार प्यार, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, दिल ने जिसे अपना कहा और पेइंग गेस्ट। इसके साथ ही रिया सेन ने बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री मुनमुन सेन फिल्मों में काम करने के बाद सन 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और वेस्ट बंगाल बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जहां इन्होंने सांसद वासुदेव आचार्य को हराया और सन 2019 में आसानसोल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाबुल सुप्रियो से हार गईं। तो
दोस्तों ये कहानी थी 80 और 90 के दशक की कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री मुनमुन सेन की, जो कि आज तक अपने शानदार काम की वजह से हिंदी सिनेमा के कई दर्शकों के लिए एक शानदार अभिनेत्री हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।